नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आरके फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, आप सभी के पास पहले एक नोटिफिकेशन पहुंच ही चुका था हमारे यूट्यूब चैनल से कि हम एक ट्रिक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज उसका फर्स्ट लेक्चर है। क्या है कि जो हम नीट और आईआईटी जेई का एग्ज़ाम देते हैं, जितने बच्चे हैं नीट के लिए, तो मैं स्पेशल कह देता हूँ, बच्चों की कमजोरी क्या रहती है कि अपना जो फिजिक्स है 45 क्वेश्चन आने हैं, उसकी वजह से कुछ बच्चे रह जाते हैं। और आईआईटी जेई का अंदर बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, वो फिजिक्स कर लेता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे रह जाते हैं। नीट के लिए स्पेशल कह रहा हूँ मैं, तो उन्हीं के लिए मैं एक ट्रिक सीरीज लेके आ रहा हूँ। ये नहीं कि हमने रटना है, नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, ट्रिक मेथड, जहाँ जहाँ जिस टॉपिक पर प्लस वन के अपने 10 यूनिट, क्लास 12th के 10 यूनिट, जितने भी अपने चैप्टर आते हैं, जितने भी जहाँ से टॉपिक आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनके ऊपर जितनी ट्रिक लग सकेगी मैं आपको आज से सिखाने वाला हूँ। तो देखते रहिए हमारी वीडियो आज लगातार कंटिन्यू, ठीक है। हर वीडियो हमारी 20 to 30 मिनट की होगी, ज़्यादा कोई लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। मैं जितना भी मटेरियल होगा पहले बोर्ड पर लिख के रखूँगा। जो आज हमारी वीडियो का मकसद है, आपको ये बताना है कि ये ट्रिक सीरीज में जो लेके आए, रटने वाला सिस्टम नहीं है। इसमें मैं क्या करूँगा, आपको शॉर्टकट प्लस ट्रिक ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ हर टॉपिक के ऊपर, जहाँ जहाँ लगेगी। ऐसे नहीं, हर टॉपिक पे जहां जहां लगेगी वहां पर मैं ट्रिक और शॉर्टकट आपको बताऊंगा, वही आपने एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या लाखों करोड़ों बच्चे, लाखों की संख्याओं में बच्चे आ रहे हैं, टाइम बिल्कुल कम होता है, सेकंडों के अंदर हर बच्चा सोल्व कर ही जा रहा है, ठीक है। उसके लिए हम आज ये सीरीज लेकर आ रहे हैं और ये हमारी स्टार्ट आज से हो चुकी है, ट्रिक सीरीज का आज पहला लेक्चर है, ठीक है। अब शॉर्टकट प्लस ट्रिक, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि जो नीट का एग्ज़ाम है था और आईआईटी जेई का 2020 का ले लीजिए, ठीक है, लास्ट जितने भी अपने लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है नीट का और आईआईटी का, आप देखेंगे बिल्कुल फंडामेंटल हर बेसिक टॉपिक से टॉपिक क्वेश्चन आया, जितने भी एनसीईआरटी के आप देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन सेम के सेम उठा के दिए हैं, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो। फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने देखे होगा फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, बच्चे क्या करे, हाई लेवल के क्वेश्चन कर गए, लेकिन ये बेसिक अपने लेवल के नहीं करके गए, जिसके कारण बच्चे कुछ रह गए। और आपने देखा होगा तो दो बच्चों के, आकांक्ष और आफ्ताब नाम है शायद, 720 में से 720 नीट के अंदर उन्होंने स्कोर किया है, आईआईटी जेई के अंदर उन्होंने कुछ बच्चों ने 100% ले गए हैं। वो कैसे ले गए, कुछ बच्चे हाई लेवल के क्वेश्चन गए लेकिन बेसिक फंडामेंटल नहीं करके गए, इसी वजह से रह गए। अब बच्चे ये के दिमाग में ये है कि क्या आने वाले भी ऐसे ही पेपर होंगे, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे, गारंटी देता हूँ। कैसे, दो नवंबर 2019 के अंदर, 2019 के अंदर एक स्टेट की कोर्ट ने एक लेटर जारी किया, मतलब एक प्रेस रिलीज किया, और वो उन्होंने NTA जो अपना है, NTA, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट और अपना आईआईटी कंडक्ट करती है, उनसे क्वेश्चन पूछा कि एक बच्चा जो 4-5-6 लाख लगाकर कोटा, सीकर, दिल्ली, बड़े बड़े जहां पर इंस्टीट्यूट है वहां पर कोचिंग ले रहा, हायर लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, एनसीईआरटी तो हर कोई करता है, हायर लेवल के क्वेश्चन करता है, और एक बच्चा जो गाँव में रहता है वो उस, या कोई गरीब बच्चा है उस पैसे को एडोप्ट नहीं कर पा सकता, मतलब उतने पैसे दे नहीं सकता, और वो गांव या अपने गरीब परिवार से रिलेट रखता है, शहर में भी गरीब है, वो अपने वहीं के वहीं पढ़ रहा है, वो एनसीईआरटी के सारा टॉपिक कर रहा है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर रहा है, हायर लेवल के वो नहीं कर पा रहा, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, तो इसका रीज़न क्या है, वो 4-5 लाख वाले डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और एक गरीब नहीं बन सकता क्या? तो NTA ने क्या सोचा, ये तो सही बात है। और उसके बाद देख लीजिए नीट का एग्जाम देखिए आप, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आए थे, बता देता हूं 45 के अंदर बिल्कुल 33 क्वेश्चन हमारे NCERT बेस्ड, बिल्कुल NCERT से उठाए गए थे। तो इससे क्या क्लियर होता है कि अब की बार भी 2021 बार तो 100% लगा लिए, अगस्त में पेपर हो, सितंबर में पेपर हो, या आने वाले जितने पेपर होंगे, आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है और उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, और मैं आपको डराऊंगा, सिखाऊंगा ट्रिक सीरीज और शॉर्टकट कैसे लगता है। आईआईटी का लास्ट वाला एग्जाम देख लीजिए, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे अपने, ठीक है। तो नीट के अंदर ये श्योर है 2021 वाला पेपर होगा,
वो अपना क्या होगा, बिल्कुल फंडामेंटल बेस्ड होगा, श्योर। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इस लेक्चर के अंदर आपको ये बताना चाहूंगी हमने करना क्या है और कैसे करना है और आपने क्या करना है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको मेन बात बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए एक मोटिवेशन का भी काम करेगा, बिल्कुल आपको मोटिवेट करेगा ये वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूं। करना क्या है, हमने शॉर्ट ट्रिक सीरीज लेकर आया हूं मैं इसके अंदर, करना क्या है। नीट 2021 या जो भी आगे एग्जाम देने वाले हैं, आईआईटी का एग्जाम देने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसके लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी याद रखनी है, मतलब कुछ फैक्टर याद रखने हैं आपके। मैंने यहाँ पर पांच फैक्टर, इसी पांच फैक्टर को, पांच उंगली हैं याद रखो, पांच ही फैक्टर आपको याद रखने हैं इस ट्रिक सीरीज के लिए। आज लेक्चर फर्स्ट है, सेकंड के अंदर हम लगातार हर टॉपिक के ऊपर ट्रिक सीरीज लगाते चलेंगे, शॉर्टकट चलाते चलेंगे और वो हम नीट और आईआईटी को गेन कर लेंगे, क्लियर कर देंगे और एक अच्छे डॉक्टर एक इंजीनियर बनेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, देखिए फर्स्ट फैक्टर है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। देखो हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है, दो साल से कर रहा है, तीन साल से कर रहा है, या कोई प्लस टू के बाद एक साल पक्का क्या करता है, अपना प्रिपरेशन करता है, बाहर जाकर करता है, घर करता है, ऑनलाइन करता है, कैसे मर्जी कर रहा। और कोविड 19 के अंदर आपको पता होगा बाहर बच्चे कोचिंग में ले रहे, घर की घर तैयारी करी जा रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट में भी चले गए हैं, वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो हार्ड वर्क पूरा कर रहे हैं, आपको पता है हार्ड वर्क पूरा का पूरा कर रहे हैं। लेकिन ट्रिक सीरीज हमें क्या बताती है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क का मीनिंग क्या है, ट्रिक लगानी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, रटना नहीं अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और उसमें प्लस शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। शॉर्टकट फार्मूले कैसे याद हो रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू अपने को याद नहीं हो रही, 90 की वैल्यू याद नहीं रह रही, साइन 30 क्या हो रहा है, ये हम अब सब आपको मैं ट्रिक सीरीज के द्वारा सिखाऊंगा। हार्ड वर्क आप सभी कर रहे हैं मानता हूं, लेकिन स्मार्ट वर्क जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखो सेकंड क्या है फैक्टर, डियर स्टूडेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना सीखो। आप माना कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी में सीधा जो लाइन है वैसे की वैसे उठा के आपको दे ही जा रहा है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ो और जितने भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है ए टू जेड कर दो, जितने भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है उसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको पहले, तभी न्यूमेरिकल होंगे। समझ आया सेकंड फैक्टर, ये था हमारा सेकंड फैक्टर। उसके बाद है शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। उसके बाद आपने फार्मूला लिस्टिंग, अगर फार्मूला लिस्टिंग आप खुद बना सकते हो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसी ट्रिक सीरीज के अंदर जितने भी हमारे चैप्टर होते रहेंगे उनके अंदर मैं आपको फार्मूला लिस्ट भी दूंगा बनाकर, ठीक है। एक पूरी दो या तीन वीडियो में पूरे प्लस वन प्लस टू की इस पे पूरी फार्मूला लिस्ट आपको बना के दे दूंगा, वही आपको पेपर से जाने से पहले याद कर देनी, और आपको कॉन्सेप्ट और आपका ट्रिक आपको याद रहेगी और तुरंत आप सेकंडों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्योंकि सेकंड का ही खेल है। ठीक है, सब कुछ समझाने वाले का खेल है, फिजिक्स क्या समझाने वाले का खेल है। उसके बाद प्रीवियस ऑफ नीट एंड जेई मेंस, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे कर डालिए। अब आप, मैं पहले क्या बोल रहा था कि आएंगे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपने याद रखना अगर हम हायर लेवल के पिछले वाले जो क्वेश्चन हो गए हैं तो हमें ये बेसिक तो अपने आप आ जाएगा। बेसिक कैसे आएगा, हायर लेवल के क्वेश्चन कर लिए तो हम एनसीईआरटी बेस करेंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो हमें अपने आप क्या आ जाएगा, अगर कोई हायर लेवल का भी वो भी हम तुरंत कर देंगे। और टाइम प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के ऊपर आप क्या खुद करो, अगर इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं दे रहे, एक वीक के अंदर दो या एक दिन तो पक्का, दो या एक दिन तो पक्का आपने क्या करना है, एक पूरी क्वेश्चन बैंक लेनी है, कम से कम 100 क्वेश्चन ले लिया, उसको देख लो आप कितने मिनट के अंदर सॉल्व करके देख रहे हो। नीट के एग्जाम के हिसाब से टाइम सेट करें, उसके हिसाब से देखो आप एक मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है, तभी रिजल्ट निकल के आता है। टाइम प्लस एक्यूरेसी प्लस स्पीड, इन्हीं पांच फैक्टर से निकल के आएगा। अगर टाइम आप बिल्कुल सही कर रहे हो, एक्यूरेसी सही कर रहे हो और स्पीड आपकी बिल्कुल है, तो 100% आप नीट और आईआईटी क्लियर करेंगे और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, और आने वाले आप ही डॉक्टर हैं, आप ही क्या है, एक अच्छे इंजीनियर है। तो आशा करता हूँ आज का आपका हमारा जो आपका और हमारा ये लेक्चर था आपको जरूर समझ आया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ इस ट्रिक सीरीज के अंदर हमने करना क्या है। तो तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम सबसे पहले अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स टूल पढ़ेंगे,
ठीक है। और उसके मैं हाँ ये जितने भी चैप्टर है देखो हम पूरे करेंगे, लेकिन मैं आपके इस ट्रिक सीरीज के अंदर सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स पहला लेक्चर होगा बिल्कुल 20 या 30 मिनट उसके अंदर पूरा मैथमेटिक्स करा दूँ आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ, और दूसरा रहेगा हमारा वेक्टर जो पूरा यूज़ होता है उसके क्वेश्चन भी आते हैं, तीसरा रहेगा हमारा जो बच्चों की प्लस वन की प्रॉब्लम रहती है रोटेशन मोशन पुले वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी ट्रिक बताऊंगा। यानी मैं ऐसे नहीं चलूंगा फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, नहीं मैं पहले वो चलूंगा जो पेपरों के अंदर अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और जिनके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनकी ट्रिक बताऊंगा, उनकी शॉर्टकट बताऊंगा, उनके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद सीरीज वाइज और लेक्चर अपने चलते रहेंगे कंटिन्यू। तो आशा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।